यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने गुरुग्राम पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और इनेलो को भी आड़े हाथों लिया। इनेलो की रोडवेज की हड़ताल को समर्थन देने पर तंवर ने कहा कि इनेलो ने सरकार बनते ही पहली कलम से रोडवेज कर्मचारियों की मांगे माने जाने का आश्वासन दिया है। वहीं इनेलो में जारी अंतर कलह है और उन्होंने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। साथ ही उन्होंने इनेलो कार्यकर्ताओं का कांग्रेस आने पर कहा कि कांग्रेस में आना चाहता है वो आ सकता है। तो आपको बता दें कि अशोक तंवर ने गुरुग्राम में जमकर इनेलो पर निशाना साधा है और इनेलो में जो काफी समय से आंतरिक कलह जारी है उसको लेकर उन्होंने वार किया है इनेलो पर और कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इनेलो चुनाव तक विलुप्त हो जाएगी और साथ ही उन्होंने इनेलो के कार्यकर्ताओं या नेताओं का कांग्रेस में आने पर स्वागत भी कहा उन्होंने किया और उन्होंने साथ ही इस पर कहा कि जो भी कांग्रेस में आना चाहता है वो आ सकता है। देखिए, हमने तो पहले ही कहा इनेलो हो भाजपा हो, अब तो भगदड़ मचने वाली है। शुरू हो चुकी है भगदड़, लेकिन अब बहुत तेजी से मचेगी। तो जो उसमें अच्छे साथी होंगे, और मैं समझता हूँ कि जो समर्पण के साथ आएंगे, विचारधारा के तौर पर आएंगे, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आएंगे, तो उन साथियों का स्वागत हम करेंगे।